हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज नवरात्रे का दूसरा दिन है। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आपको और भी बेहतरीन मेरी वीडियो देखने को मिले। खिचड़ी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस प्रकार हैं। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है आधा कप या 50 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने छोटे स्कूप में काट के और उनको फ्राई किया है, और थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली, एक उबला हुआ आलू, फिर उसको मैंने छोटे पीसेस में काट के फ्राई किया है, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, नमक टेस्ट के अनुसार, आधा नींबू और एक हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार भी ले सकते हैं, जैसा भी तीखा खाएं। और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है साबूदाना। मैंने महीन वाला साबूदाना लिया है, जिसको मैंने 4 घंटे पानी में अच्छी तरीके से वॉश करके फिर भिगो दिया था, जो इस तरीके से फूल कर गल गया। चम्मच जीरा और खिचड़ी को बनाने के लिए देसी घी, क्योंकि वैसे तो आप इसको किसी रिफाइंड में भी बना सकते हो, लेकिन नवरात्रे के दिन है तो मैं प्रिपेयर करूंगी कि आप इसको देसी घी में ही बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले गैस ऑन करें। अब इसमें मैंने छोटी चम्मच लिया, 4 चम्मच छोटे वाले टेबलस्पून देसी घी लीजिए। अब हमारा घी तैयार का गरम हो गया। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, जब जीरा भुन जाए तो उसमें 2 चम्मच या आप जितनी खाना पसंद करो मूंगफली, इसे सींग दाना भी कहते हैं, डाल के इसको भूनें। इसके बाद इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 आलू जो मैंने छोटे टुकड़ों में काटा हुआ था और उसको मैंने फ्राई किया है, वो डालेंगे। हमारा आलू थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसके बाद इसमें मैंने पनीर, और उसके बाद अपना भीगा हुआ साबूदाना, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक जो फलाहार में खाया जाता है, कुटी हुई काली मिर्च। फ्रेंड्स, याद रखना हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, तो आप जितना तीखा खाते हो उतना लेना, और आधा कटा हुआ नींबू मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये इसको 3-4 घंटे हमने पानी में ही भिगो के रखा था। अब इसको मैं 4 मिनट के लिए लीड लगा के बिल्कुल स्लो पर गैस पर ढकूंगी। हमारे 4 मिनट कंप्लीट हो गए। देखो हमारी खिचड़ी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल खिली हुई बनी है। अब इसमें कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया, डालकर खूब सर्व कर लीजिए। माता रानी का भोग तैयार। इसको एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब इसको जरा से हरे धनिए से गार्निश करेंगे।
थोड़े से भुने हुए मूंगफली के दाने और जो मैंने थोड़े से पनीर के टुकड़े रोके थे। लीजिए, हमारी साबूदाने की फटाफट खिचड़ी बनके तैयार है। अब थैंक यू सो मच, साबूदाने खिचड़ी बनके तैयार है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे यह कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।